शेरघाटी में 21,000 आबादी के वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 50 टीका केंद्र, 2 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान। शेरघाटी शहर में रहने वाली 18 पार की 21,000 आबादी को 2 दिनों के भीतर क्रमशः 8 और 9 जुलाई को कोरोना का टीका लगाने के लिए शेरघाटी में 50 टीका केंद्र बनाए जाएंगे। शेरघाटी नगर परिषद कार्यालय में वार्ड पार्षदों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की हुई एक साझा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। टीकाकरण के विशेष अभियान को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यह विशेष अभियान तब शुरू किया जा रहा है जब 4 दिनों से वैक्सीन की कमी के कारण शेरघाटी के सभी 10 टीका केंद्र बंद पड़े हैं। टीका लेने आए लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। अनुमंडलीय अस्पताल स्थित टीका केंद्र में केवल कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। अनुमंडलीय अस्पताल के हेल्थ मैनेजर आशीष कुमार दत्ता ने बताया कि बैठक में शेरघाटी शहर में 50 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र खोलकर आगामी 2 दिनों में 21,000 लोगों को टीका दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। शेरघाटी शहर में 18 पार की 26,000 आबादी में से 5,000 लोगों को अब तक टीके दिए जा चुके हैं। नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद चिंटू सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वार्ड पार्षद अशोक कुमार सिंह, रामलखन पासवान, BDO प्रशांत कुमार परसून तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। क्या था आज, कैसी बैठक हो रही थी? आज हम लोग नगर परिषद के कार्यालय में कल और परसों होने वाले शहरी क्षेत्र में होने वाले कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्लान कर रहे थे। इसमें नगर परिषद के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई। BDO साहब भी उपस्थित थे और सारे वार्ड मेंबर्स वगैरह भी उपस्थित थे। हम लोगों की जो योजना है वो ये है कि शहरी क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में जितनी आबादी है और वो जो लक्षित आबादी है कोविड वैक्सीनेशन के लिए 18 साल से ऊपर के लिए, वो तकरीबन 26,000 के आसपास हम लोगों का है टारगेट। तो 26,000 में हम लोगों को करीब 5,000 हम लोग कर चुके हैं वैक्सीनेट लोगों को, तो 21,000 लोग का टारगेट है कि हम इन 21,000 लोगों को 2 दिनों में 8 जुलाई और 9 जुलाई में 2 दिनों में हम वैक्सीनेट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग वार्ड में टोटल 50 सत्र बनाए हैं। 50 सत्र है जहां पे 50 वैक्सीनेटर और वेरीफायर डाटा एंट्री ऑपरेटर जाएंगे और टारगेट है कि हम लोग एक सेशन पे मिनिमम 200 लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। इसके लिए और नगर परिषद के द्वारा, BDO साहब के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया गया है। इसकी प्रचार गाड़ियां घूम रही हैं ताकि लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो आकर टीका ले रहे हैं हमारे पास। क्या परिचय है आपका? आशीष कुमार दत्ता, हेल्थ मैनेजर अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी।